एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो एक हेयर मास्क की जो एक रेसिपी सॉरी रेसिपी नहीं डीआईवाई जो दिखाने वाली हूँ, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ वन पैक फॉर योर ऑलमोस्ट ऑल हेयर प्रॉब्लम्स। तो कोई सा भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा हो जाती कि हेयर फॉल, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, डैंड्रफ को भी कम करेगा। हालांकि डैंड्रफ के लिए मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोस है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। पर ये इतना मैजिकल है कि ये बहुत जल्द काम करता है। अब मेरे साथ क्या हो गया कि मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं हॉस्पिटलाइज भी थी। तो हॉस्पिटल में जो मेरे खिदमत हुई है, तो उससे क्या है कि बाल सिर से ज़्यादा फर्श और कंघी पर ज़्यादा है। तो जब भी इतना कुछ ज़्यादा हो जाता है कि कुछ कंट्रोल में नहीं आता, तो मैं इस पैक को बनाती हूँ, इसको अप्लाई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि हम सब कुछ ना कुछ, कोई हॉस्पिटल ना जाए, मतलब मेरी तो दुआ है कि कोई ना जाए, पर कुछ ना कुछ हो जाता है कईयों को, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ऐसे वक्त पर आप अगर इस पैक को लगाओगे तो ये बहुत जल्द काम करेगा, इसीलिए मैंने इसको लगाया है। मैंने पिछला एक बार भी लगा लिया तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। मैं कह रही हूँ कि आप 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज़्यादा इसकी जो बेनिफिट है वो मिलेगी, आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पर इसके साथ साथ मैं कुछ और टिप्स भी फॉलो करती हूँ, जैसे कि एक शैम्पू मेरे चैनल पर उसका रिव्यू है, इतना अच्छा बेहतरीन वो शैम्पू है कि मैं पिछले 7-8 महीने से उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है। तो ये जो एक हेयर मास्क है इस कटोरी में, जिसको कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ, तो ये तो पहली बात आपकी जो भारी भरकम हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको रोकेगा, हेयर की रीग्रोथ करेगा। जिस एरिया में आपको मान लो कि पतले हेयर है, उस एरिया में नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसको कौन कौन सी चीज़ों से इसको बनाया, ताकि आप भी अपने घर में बना सको। सारा चीज़ आपके हालांकि घर में ही मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस पैक को कैसे बनाया। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पूरा देखना, अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी कर देना, और उसके पास वो जो बेल बटन है ना उसको टैप कर लेना, ताकि आपको पता चले कि मैं जिंदा हूँ। ये क्या था, ओके चलो और ज़्यादा बात ना करके देख लेते हैं कि मैंने इस पैक को कैसे बनाया। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्याज की, आपको ध्यान रखना है कि लाल प्याज ही लेनी है, क्योंकि इंडिया में एक सफ़ेद प्याज भी आता है, तो इसके लिए आपको लाल प्याज ही लेनी है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसके लिए आपको लगेगा एलोवेरा का रियल जो प्लांट होता है, उसमें से कटा हुआ एलोवेरा लगेगा। इसमें अगर आप मार्केट का कोई एलोवेरा जेल इस्तेमाल करोगे तो ये उतना शायद इफ़ेक्टिव ना हो, तो आप कोशिश करना कि ओरिजिनल एलोवेरा की पत्तियाँ को ही आप अरेंज कर पाओ इस पैक के लिए। एलोवेरा की कोई क्वांटिटी इस पैक के लिए नहीं है, आप अपने बालों के हिसाब से अगर आप लेंथ पर भी लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप एलोवेरा की पत्ती को ले सकते हो, उसमें से जेल निकाल सकते हो। और प्याज आपको लाल प्याज एक ही लेनी है। करना है कि इस एलोवेरा की पत्तियों के अंदर जो इसका जेल होता है वो आपको निकाल लेना है। सबको पता है कि किस तरीके से एलोवेरा का जेल निकाला जाता है, आप चम्मच या चाकू किसी के भी मदद से ऊपर के छिलके को उतार कर अंदर का जेल आप निकाल सकते हो। तो इसको इसका पूरा जेल निकलने के बाद मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब आप देख सको कि मैं प्याज को बस काट कर ही डाइसेस में काट कर मैं मिक्सर में डाल रही हूँ। आपके बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल आ सकता है कि हम प्याज का सिर्फ जूस ही इस्तेमाल करते हैं, आप पूरे प्याज को डाल रहे हो, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि मैं खुद अपने बालों पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो अगर मैं पूरा रस लूँ तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाए और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं उसको क्या इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा टपकेगा। तो अगर आपके पास कोई है हेल्प करने की तो आप जूस भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे खुद ही लगाना है तो मैंने पूरा प्याज लिया है ताकि ये एक थिक कंसिस्टेंसी में बन पाए। हालांकि इसका कोई कुछ इसमें अलग नहीं होगा, जो आप प्याज का रस लोगे या प्याज को पूरा लोगे ग्राइंड करने के बाद उसका जूस ही निकलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये एक थिक कंसिस्टेंसी में बन के आया है इसका पेस्ट, मैंने इसको ग्राइंड किया है मिक्सर ग्राइंडर में, तो ये मेरे लिए यूज़फुल, मैं खुद अपने बालों पर इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने हाथों से, तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसके कंसिस्टेंसी
थिक है तो ये बहुत ज़्यादा टपकेगा नहीं। हालांकि आप इसके अंदर नारियल का तेल भी डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग की आदत नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता कि चिपचिपापन रहे। हालांकि मैं अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ तो मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल को नहीं डाला, पर अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल को भी डाल सकते हो, वो एक एडिशनल आपको कंडीशनिंग का काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे अप्लाई किया है बालों में और कितने टाइम तक आपको रखना है वो सारा भी मैं बता दूंगी आपको। तो चलिए मैं इसकी एप्लीकेशन आपको दिखा देती हूँ। पर सबसे पहले आप अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना। इसमें बालों को गीला करने की या वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने सूखे बालों पर लगा सकते हो। पर ध्यान रखना कि बालों में गंदगी ना हो। अगर आप ये कर सकते हो कि अभी जैसे कोई बाहर नहीं जा रहा है तो उतना नहीं हो सकता, पर अगर आपको लगे कि आप कभी भी आप देख रहे हो इस वीडियो को कि आप जॉब में जाते हो फिर बाहर से आना पड़ता है, तो आप पीछे आगे के दिन आप शैम्पू कर लेना, उसके बाद वाले दिन आप इसको लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपकी स्कैल्प भी अच्छी साफ होगी तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी। तो चलिए पहले बालों को जैसे कि आप देख सकते हो मैं टैंगल फ्री कर रही हूँ। अब जैसे कि इस पैक को आपको लगाना है अपने स्कैल्प पे, आपके पूरे स्कैल्प पे इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं बता दूंगी कि कितने टाइम तक आपको इसको रखना है ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले। पर अगर आपको बच जाए तो आप अपनी लेंथ पर भी लगा सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि एलोवेरा है तो आपकी बालों को थोड़ा सिल्की करेगा, थोड़ा स्मूथ इफेक्ट देगा, तो अगर बच जाए तो आप अपनी लेंथ पर भी लगा सकते हो। चुका है इसको लगाकर आपको मसाज बिल्कुल नहीं करना है, बस आप मेक श्योर कर लो कि हर पोर्शन पर लगा है। तो अभी मैं इसको एक क्लचर से यहाँ पर लगा दूंगी। आप चाहो तो इस तरीके की शावर कैप का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं भी लगाने वाली हूँ इसको। तो शावर कैप को लगाने से क्या होगा कि बहुत जल्दी ये सूखेगा नहीं, क्योंकि गर्मी का दिन है तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो ये बहुत जल्द सूख जाता है उस वजह से। पर हमें इसको जैसे कि इसको लगाने के बाद हमें 1 से 1.5 घंटा तक रखना है। पर कोई सा भी ये पैक ले लो, ये मेरी आंखों में जलन हो रही है क्योंकि ऑनियन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर आप कोई सा भी हेयर पैक ले लो तो उसको कभी अपने बालों में बिल्कुल भी ड्राई मत करने देना। थोड़ा सा वो गीला रहे, थोड़ा सा भीगा भीगा रहे, तब भी आपको उसको वॉश करना है, नहीं तो ये जो काम करना है काम तो करेगा पर आपकी बालों की जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको निकाल लेगा अगर ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो। ये सिर्फ इस पैक के बारे में नहीं है, कोई सा भी हेयर पैक आप बिल्कुल भी अपने बालों पर उसको बिल्कुल 100% ड्राई मत करने देना। वो थोड़ा भीगा भीगा सा रहे, गीला रहे, तब भी आप उसको वॉश कर सकते हो। तो मैं इसको 1 से 1.5 घंटे तक रखूंगी और उसके बाद मैं आपको इसका आफ्टर रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तो अभी जैसा आप देख सकते हो कि मैंने शैम्पू कर लिया है, हालांकि मैंने कंडीशनर नहीं लगाया है। जब भी आप कोई प्रोटीन पैक लगा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो कि हर्बल है, इफ़ेक्टिव है आपके बालों के लिए, तो कोशिश करना कि उस दिन कंडीशनर को ना लगाया जाए। हालांकि कंडीशनर स्किप करना ही अच्छा होता है। मैंने लगभग 1.5 साल हो चुके हैं अभी मुझे, मैंने कंडीशनर को बिल्कुल छोड़ दिया है। हालांकि उसके जगह मैं कभी कभी लिव इन कंडीशनर लगा लेती हूँ, पर वो भी ऑप्शनल है। अगर आपके बालों में अच्छा सा मॉइस्चर है तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कंडीशनर का। जैसे देख सकते हो अभी मेरे बाल भीगे हैं, मैंने इसको कोम भी नहीं किया है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना कि बाल जब तक 80% ना सूखे हो तो उस पर बिल्कुल भी आप अपना कंघी मत चलाना, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं।
तो इसको मैं अभी नेचुरल रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई करूंगी, बिल्कुल भी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ मैं। पूरे समर में आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ड्रायर का हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। इस पैक को अगर आप चाहो तो हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप 3 बार के इस्तेमाल से ही इसके फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ये दावा है, गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर ये सालों साल से एक्सपेरिमेंट किया है, ये काम आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको भारी भरकम हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तब इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर हेयर फॉल नहीं भी हो रहे तब भी ट्राई करना, क्योंकि ये मॉइस्चर का भी काम करेगा, आपकी स्कैल्प पे नए हेयर ग्रोथ में भी मदद करेगा, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप हफ्ते में 3 दिन कर लो, 3 दिन के यूज़ के बाद आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि काम हुआ है या नहीं, क्योंकि जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, कुछ काम नहीं आ रहा है, तो मैं सब कुछ के बाद आखिर में आके इसी पैक को लगाती हूँ, और इसके 3 से 4 पैक में ही काम हो जाता है कि पूरा कंट्रोल में आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए कि मैं कब कौन सा वीडियो डाल रही हूँ। आप मेरे साथ अलग सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हो, हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तब वहाँ से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे या सोल्यूशन चाहिए या वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर मेरी जानकारी में हुआ तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपकी मर्जी हुई तो। और फिर मिलते हैं किसी नए इफेक्टिव इंफॉर्मेशनल हेल्पफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।